दोस्तों, आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी आ चुकी है। कपड़ा ऊपर करिए और करिए, पैर पे लाइए। जिसको अनुभूति कश्यप ने डायरेक्ट किया है, जो कि अनुराग कश्यप की बहन है। इस फिल्म को आप लोग अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो और ये एक एडल्ट फिल्म है। ऐसा नहीं है कि इसमें गाली दिया गया है, लेकिन हाँ, डबल मीनिंग बातें थोड़ी बहुत जरूर की गई है और कुछ सीन भी ऐसे हैं जिस वजह से इसको ए ग्रेड में रखा गया है। इन्हें सही जगह पता नहीं है, ये गलत जगह घुस जाते हैं। फिल्म की तो ये एक ठीक ठाक फिल्म है जो आपको कहीं कहीं हंसाएगी और कहीं कहीं बोर कर देगी। तो इस फिल्म में रहते हैं अपने डॉक्टर जी यानी आयुष्मान खुराना, जिनको बनना तो रहता है हड्डियों का विशेषज्ञ, लेकिन वो बन जाते हैं स्त्री रोग के विशेषज्ञ। तुम गायनी ले लो, मैं ऑर्थो ले लेता हूँ। अब उनको गायनी करना नहीं होता है क्योंकि फीमेल मेल गायनोलॉजिस्ट प्रेफर नहीं करती है और वो इसी वजह से अपना इलाज नहीं करवाती उनसे, और इसी वजह से डॉक्टर जी को भी ये नहीं करना होता, लेकिन फिर भी उनको मिलता है गायनी और वो उनको करना पड़ता है। और अब वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये सारी बातें आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। यार मुझे किसी तरह ऑर्थो मिल जाए, जहां आप लोग उदय को कंफ्यूज डॉक्टर से मैच्योर पर्सन बनने तक का सफर देखोगे, वो भी बहुत सारे डबल मीनिंग क्रिंज के साथ। यार तुम गायनी ले लो ना यार। क्यों? दो चीज मेरे पास है ही नहीं, उसका इलाज मैं क्या करूंगा। इस फिल्म में उदय के डॉक्टर लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, लव लाइफ को, सारे लाइफ को एक्सप्लोर किया गया है और उसमें उसकी माँ का लाइफ सबसे अलग था और वैसी लाइफ तो हमारे इधर किसी की होती भी नहीं है। मैं सेल्फी खींच तो जरा फेसबुक पे डालूंगी और टिंडर पे भी। इस फिल्म में रकुल प्रीत को छोड़ के सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, खास करके आयुष्मान खुराना ने। यू स्पैंक मी स्टोरी भी अच्छी है, लेकिन हाँ, इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। जहाँ आप लोग देखोगे कि ये फिल्म इंटरवल तक तो एकदम ठीक जाती है, अपने ही लाइन पे जाती है, लेकिन हाँ, इंटरवल के बाद सारा कुछ चेंज हो जाता है, मूवी एक अलग ही डायरेक्शन ले लेती है। लेकिन हाँ, मूवी का कॉन्टेंट बहुत सही था और बहुत अच्छा था। क्या देख रही हो? डॉक्टर नहीं है। और ऐसी फिल्मों में काम करने के लिए जिगरा होना चाहिए, जो आयुष्मान खुराना के पास ही है। दिल से लौंडा मैं तो फुल नॉटी। मेल टच क्या होता है बे? और इस तरह की अद्भुत कार्य वही कर सकते हैं। जब से डॉक्टर नंदिनी से ये लेक्चर मिला है ना मेल टच पे, तब से मेरे निप्पल से दूध आने लगा है। आप लोग बताओ, आप लोग को ये फिल्म कैसी लगी? एक साल में 116 बार निशाना साधे, समझ में आ रहा है आपको? आप गिन रहे हैं।